नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा के युवाओं को आज बहुत बड़ा झटका लगा है और ये उन सभी युवाओं के लिए वीडियो है जो युवा हरियाणा की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। जी हां साथियों, आपने सही सुना, चाहे आप सीटी की भर्तियों के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, चाहे आप सीटी क्वालिफाई का इंतजार कर रहे हो और चाहे आप नए कैंडिडेट हो, यानी कि आपने सीटी भी ना दिया हो। साथियों, मुद्दे की बात कर लेते हैं कि कई दिनों से इंतजार था कि बीजेपी पार्टी ने सीटी के नाम से भर्तियों को अटका रखा है और युवा चाहते थे कि किसी भी प्रकार से इनकी भर्तियां हो जाएं। बाकी दो बार प्रोसेस जिन जिन ग्रुप्स का हो चुका है, तो अब 2 लाख के लगभग जब पद हरियाणा में खाली हैं, तो जो 30,000 वैकेंसी है, 25-30,000 जो भी हैं, जिनका रिजल्ट पेंडिंग है, प्रोसेस लगभग पूरा हो चुका है कई ग्रुप्स का और कई के एग्जाम चल रहे हैं, तो इन ग्रुप्स के बारे में जो काफी कैंडिडेट जो विरोध में है, देखिए कोई भी पोस्ट है वो एक बार नहीं, पिछले 4 साल से जब ये भर्तियां चली हुई है, अगर 4 साल पहले ये भर्तियां हो जाती तो अब तक दोबारा ऐसे ही पदों के ऊपर आपको और भर्तियां देखने को मिल सकती थी। अब उसका कारण कुछ भी रहा हो, आप सबको पता है, वो बातें करके समय खराब नहीं कर रहा है। मुद्दे की बात के ऊपर चलते हैं। सीईटी क्वालिफाई वाले साथी हो, चाहे सीईटी नॉन क्वालिफाई वाले साथी हो, चाहे कोई रिजल्ट का इंतजार कर रहा हो साथी, फिलहाल इन भर्तियों का रिजल्ट आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि कैंडिडेट जो इलिजिबल हैं या जो पेपर देकर आए हैं वो दो बार पेपर दे चुके हैं। परेशान तो युवा हो रहा है और आप एक दूसरे में बटे हुए हैं। आप विरोध किसका करते हैं? जो साथी ये रिजल्ट की मांग कर रहे हैं 25,000 पदों के, चाहे सीटी क्वालिफाई वाले साथी हो या कोई भी हो, मैं किसी को पर्सनली नहीं कह रहा, सभी के लिए कह रहा हूं, मान लेते हैं 25,000 पदों के जो रिजल्ट की बात कर रहे हैं, तो जब कोई कैंडिडेट इन रिजल्ट्स की मांग करता है तो आप ही, यानी कि हम ही एक दूसरे का विरोध करते हैं। अब इन रिजल्ट्स का विरोध करके चलिए आप इन 30,000 पदों को अटका देंगे, लेकिन आगे की भर्तियां भी नहीं हो रही। अगर यही पद 2022 में या 23 में भरे जाते तो आप नई भर्तियों की चर्चा होती और आप भी फ्रेश माइंड से नई भर्तियों की तैयारी कर सकते थे, लेकिन उस समय एक दूसरे में उलझे रहे या नेताओं ने उलझाए रखा, क्योंकि हम तो किसी के पक्ष में नहीं है, किसी भी पार्टी के में, कोई भी पार्टी भली नहीं है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, नेता हो गए वो भले कैसे हो सकते हैं, समझदार लोग हैं वो सब समझते हैं, ये सामाजिक कार्य के लिए नेतागिरी नहीं करते, और वीडियो आप देख ही रहे हैं कि नेता क्या बोल रहे हैं घर भरने के लिए, कि अभी से तैयारी चलने लग गई है कि हमें तो अपना घर भरना है, कमाल है। जो चुनाव से पहले ये बात बोल सकते हैं, चुनाव के बाद वो क्या कर सकते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। और तो और कमाल की बात है, क्योंकि मैं जो ये मुद्दा आपको बता रहा हूं कि सीटी क्वालिफाई वाले हो या नॉन क्वालिफाई वाले हो या 4 गुना वाले हो या ग्रुप वाइज हो, कोई भी एक दूसरे में बटे हुए हैं, चाहे ग्रुप वाइज हो चाहे सीटी क्वालिफाई हो चाहे और साथियों, सभी को जॉब कब मिलेगी? जब एक भर्ती प्रोसेस पारदर्शी तरीके से होगी। चलिए ये पॉलिसी में क्या कमी थी क्या नहीं है, इस पॉलिसी का किसको फायदा हुआ है किसको नहीं हुआ है, अब ऐसे ही अगर किसी बात के ऊपर या किसी पॉइंट के ऊपर बैठा दिया जाए, तो 5 नंबर वाला मसला था, उसमें किसी को फायदा हुआ है किसी को नुकसान हुआ है, जो लग गए थे जो लग गए, अब जो वो कैंसिल कर दिया गया है तो अब उसका फायदा नहीं मिलेगा, तो वो पॉलिसियां बदलती रहती हैं, लेकिन आप एक दूसरे के खिलाफ क्यों हो रहे हो, समझ से बाहर है। ये नेता एक दूसरे के खिलाफ नहीं मिलेंगे, ये आपका यूज कर रहे हैं। आज मैं ये बात या इतने गुस्से में क्यों हूं साथियों, युवाओं को बीजेपी से नाराजगी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी युवा चाह रहे थे कि कांग्रेस उनकी भर्तियों के बारे में कुछ पॉजिटिव फैसले लेगी, जो बातें कही जा रही थी कैलेंडर जारी कर देंगे हम, ऐसे कर देंगे हम, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, मैनिफेस्टो में कुछ भी लिखा है हम 2 लाख पद भरेंगे, कैसे भरेंगे ये नहीं बताया, ये किसने बताया है? एक विधायक का वीडियो आप देख रहे होंगे, 50 वोट दो नौकरी लो, इस प्रकार से 2 लाख पद भरे जाएंगे। अब ये जो क्वालिफाई वाले साथी हों,
चाहे 25,000 रिजल्ट वाले साथी हो, इनका रिजल्ट आ जाता, इनका भी कुछ भला होता और आगे का प्रोसेस होता। अब ये एक दूसरे में चाहे ये उलझे हुए हो या तीसरा कोई ग्रुप वाइज वाला आता है कोई, ये जो कैंडिडेट 25,000 पदों के ऊपर रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, एक बार ये सोच के देखिए इनका क्या दोष है। इन्होंने पॉलिसी बनाई है जी नहीं, ये सिर्फ इतनी इनका ये दोष है कि ये सीटी में ज्यादा नंबर ले चुके थे और ग्रुप वाइज में भी आ रहे थे 4 गुना में, इसमें पोस्ट वाइज में भी आ रहे हैं। अब जो नहीं आ रहे उनका दर्द हो सकता है, लेकिन इनका क्या दोष है? आप इनको क्यों टारगेट कर रहे हैं? मैं बार बार यही कहना चाहता हूं, इनका सिर्फ ये दोष है कि SSC जब एग्जाम लेती है तो ये एग्जाम देने चले जाते हैं और बाद में ये बोलते हैं कि सर हमारा रिजल्ट निकालिए। जब एग्जाम लिया है तो रिजल्ट तो निकालना ही पड़ेगा। लेकिन आप सोच क्या रहे हैं, चलिए इनको आप नौकरी नहीं लगने देंगे कोई दिक्कत नहीं। युवा एक दूसरा का विरोधी होकर जो सोच रहे हैं उनकी थिंकिंग के ऊपर मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आप कैसे लगेंगे, चलिए सीटी की क्वालिफाई की आप डिमांड कर रहे थे, नेक्स्ट सीटी क्वालिफाई होता भर्ती देख सकते थे। अब आप सुन रहे हैं ना, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा ही होगा, इसकी इस लाइन का अर्थ निकाल लेना। जो आप वीडियो देख रहे हैं चुनाव से पहले जो घोषणाएं कर रहे हैं चुनाव से पहले जो घोषणाएं कर रहे हैं कि 50 वोट दीजिए और नौकरी लीजिए, 2000 पोस्ट किस प्रकार से बांटी है पता है? 90 विधानसभा है, पर विधानसभा 2000 पोस्ट, 1,80,000 पद, यानी कि जो लगभग 2 लाख पद बताए जा रहे हैं बांट दी उन्होंने तो पोस्ट है। अब उन नेताओं को भी जो गोलियां दी गई हैं उनको भी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी वो अलग बात है, लेकिन एक विधानसभा में 2000 पोस्ट बांटी गई है, किनको मिलेगी? जो लोग झंडे उठाए डोल रहे हैं वो सोच रहे हैं उनको मिल जाएंगे, उनको भी नहीं मिलेंगी, उनको भी नहीं मिलेंगी। अब ये किनको मिलेंगी ये मेरे मुंह से कहलवाना जरूरी नहीं, आप सबको पता है। तो जो साथी इस समय ये सोच रहे थे कि मैं अगले एग्जाम में बैठकर एग्जाम क्रैक कर दूंगा, वो पार्टी आएगी तो ये कर देगी, वो पार्टी आएगी तो ये कर देगी, सबको आज बहुत बड़ा झटका लगा है। उम्मीद थी कि 10 साल के बाद शायद विपक्ष बदल गया होगा, लेकिन पिछले 1-2 दिन से जो रुझान आने लग रहे हैं लगता नहीं है कि शायद ये बदलने वाले हैं। वो एक डायलॉग है ना कि हथियार चलाना छोड़े हैं भूले नहीं, तो इन्होंने हथियार चलाना छोड़ इसलिए रखा था कि सरकार से बाहर थे, भूले नहीं है ये चलाएंगे फिर मौका आएगा तो। और मैं तो किसी के पार्टी के विरोध में नहीं हूं, इनके भी आज मैनिफेस्टो में आने के बाद गुस्सा इसलिए हो रहा है कि आखिरकार युवाओं से चाहते क्या है, क्यों वो युवा इनके झंडा उठाएंगे पीछे पीछे घूमे और जो घूमेगा या फिर जिसकी ज्यादा अप्रोच होगी वही नौकरी लगेगा। युवाओं के टैलेंट की कोई कदर नहीं है। कमाल की बात है, खुलकर कह रहे हैं कि हमें मैरिट वेरिट समझ नहीं आता। क्यों समझ आएगा आपको? आपको आपका मैरिट समझ आता है, आपको कौन सी जाति के किस हिसाब से कितने वोट है वो सब समझ में आता है, युवाओं की मैरिट समझ में नहीं आई आपको, कमाल है। तो वो आदमी कैसे भर्ती करेंगे, बहुत ही मतलब एक अपसेट हो गया था दिमाग ये सोचकर, वो वीडियो देखकर कि ये लोग सोच जो बोल रहे हैं इनकी सोच कहां तक सीमित है, और जो लोग चुनाव से पहले ये बोल रहे चुनाव के बाद क्या भरोसा आप कर सकते हैं ये करेंगे नहीं। चुनाव से पहले जो बोल सकते हैं कमाल की बात है, वैसा तो करेंगे वो, वरना कई आदमियों की ये होता है कि चुनाव के बाद हम कुछ भी करेंगे, लेकिन अब चुनाव के वक्त तो थोड़ा शांति बनाए रखें, लेकिन नहीं बोलना जरूरी है, अपनों को खुश करना जरूरी है, खुलकर बोल रहे हैं घर भरना है भाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी आप लोग बटे हुए हो, देखिए मैनिफेस्टो में सिर्फ क्या लिख रखा है, युवाओं को सुरक्षित भविष्य, ये सुरक्षित भविष्य है कि 2 लाख पक्की भर्तियां देंगे, 2 लाख पक्की भर्तियां देंगे। एक बार ये और बता देते कैसे देंगे, ये बात इन्होंने तो नहीं बताई ऑफिशियल रूप से तो, लेकिन वहां पर सभा में एक विधायक ने जरूर बता दी। एक विधायक कितना बड़ा जनप्रतिनिधि है, वही तो सीएम चुनेगा और वही सीएम आपकी भर्तियां करेंगे। अब ऐसे विधायक कोई मंत्री भी बन सकता है, तो पावर तो उनके हाथ में है ही, कमाल की बात है ये क्या करने वाले हैं। लेकिन मैं अभी भी यही कहता हूं कि
जो 25,000 पदों को या फिर 30,000 से 35,000 पद ये लगभग हो जाएंगे जब तक चुनाव होंगे। चुनाव से पहले तो अब रिजल्ट आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, चुनाव के बाद का भी क्या मामला लग रहा है आप सब समझ रहे होंगे, कहां कहां से क्या क्या न्यूज आ रही है। और भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप भी अपनी राय एक बार ऐसे बयान, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना, 50+ वोट वाला, 50 वोट के ऊपर एक नौकरी, तो टेलीग्राम के ऊपर आपको वो वीडियो मिल जाएगा, देख लेना और फिर एक बार सोचना, और फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आगे युवाओं को क्या करना चाहिए। मैं अभी भी बार बार यही बोल रहा हूं, किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूं, जो पार्टी गलत करेगी उसके लिए बोलना पड़ेगा। अगर आज ये कैलेंडर जारी करते हैं तो इनकी तारीफ करने का मौका मिलता कि इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। आज ये बोलते कि हम ये पेंडिंग रिजल्ट है, ये रिजल्ट निकालेंगे और आगे से जो भी उनका अच्छा प्रोसेस उनको लगता है उस प्रोसेस के तहत भर्ती करेंगे, और पेंडिंग भर्तियों का जो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है उन्हीं का फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। लेकिन कमाल है, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कर देना ताकि सभी तक पहुंचे, नेताओं तक नहीं युवाओं तक पहुंच जाए, वो काफी है। धन्यवाद।